गुड मॉर्निंग बच्चों, अब मैं आपके पास अगली रेशो लेके आया हूँ, जो रेशो है बेटा एक्टिविटी रेशो, और इसको दूसरे नाम से टर्नओवर रेशो के नाम से भी जाना जाता है बेटा। तो मेरी 12th क्लास में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो टर्नओवर रेशो, हालांकि टर्नओवर रेशो हमारी 12th क्लास में चार तरह की होती है। तो पहली जो रेशो होती है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, दूसरी होती है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, तीसरी होती है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, और चौथी है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो मैं अब आपको एक एक करके रेशो के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले रेशो लेके चलता हूं मैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। कौन सी रेशो? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। और मैं आपको बेटा सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो टर्नओवर रेशो या एक्टिविटी रेशो है वो हमें टाइम्स में आती है। जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो परसेंटेज में आती है, एक्टिविटी सारी रेशो टाइम्स में आती है। जो आपने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो करी वो प्योर रेशो होती है। तो आपने अगर एग्जामिनर सवाल पूछता है और अगर आपने उसका किस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाता है, अगर आप नहीं लिखते हो तो वहाँ पर आपका आधा मार्क कट जाएगा। तो बेटा सबसे पहले रेशो लेकर चल रहा हूँ मैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। कौन सी लेकर चल रहा हूँ? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। बेटा इसका फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। बेटा इसका फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब आपको बेटा मैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू, अब मैं बेटा जगह कम होने की वजह से कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन को मैं लिखूंगा CRFO। तो बेटा CRFO का फार्मूला क्या होता है? आपने 11th में बेटा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, मैं अब आपको 11th क्लास में लेके जा रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से भी जानते हो, तो इसका दूसरा नाम क्या था बेटा, जो हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते थे कॉक्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस, अंडरलाइन द वर्ड नेट परचेजेस, परचेजेस नेट परचेजेस मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन की पहली डेफिनेशन हो गई। और दूसरी डेफिनेशन क्या होगी बेटा? दूसरी डेफिनेशन होगी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब बेटा होता है नेट सेल्स। क्या होता है? नेट सेल्स। अगर बेटा आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है और आपको सेल्स रिटर्न भी दे रखी है, तो उस सेल्स रिटर्न को आपने कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि रेवेन्यू ऑपरेशन इटसेल्फ ए नेट सेल। कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, रेवेन्यू ऑपरेशन में सेल्स रिटर्न घटा देते हैं, तो उनका आंसर गलत हो जाता है बेटा। और तीसरी डेफिनेशन है बेटा इसकी, और RFO प्लस ग्रॉस लॉस। बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी है, तो RFO प्लस ग्रॉस लॉस। तो बेटा ऊपर की चीज आ गई, मैं दोबारा से आपको याद करा रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और रिवेन्यू ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और रिवेन्यू ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। अब बेटा मैं आपको एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला बताता हूँ। एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय टू। ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय टू। अब बेटा इस फार्मूले की हेल्प से मैं आपको एक सवाल कराता हूँ कि जिससे आपको स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालनी आएगी। और सबसे बड़ी बात दोबारा से बता रहा हूँ बेटा, इन्वेंट्री जितनी भी एक्टिविटी रेशो है वो किस में आएगी? टाइम्स में आएगी। चलिए मैं आपको एक सवाल कराता हूँ इसके ऊपर बेस बेटा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के बेस पे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अभी मैं एक सिंपल क्वेश्चन लिख रहा हूं, मुझे गिवन है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
इज इक्वल टू 5 लाख. ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1 लाख. क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 50,000 रुपए. तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आपको गिवन है बेटा, वो कितना है, 5 लाख है. और एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2. ये आपका आ गया 1,50,000 डिवाइड बाई 75,000. सॉरी 1,50,000 डिवाइड बाई 2 डेट इज 75,000. अब बेटा 75,000 मैंने पुट किया, आप आंसर निकाल लीजिए. आप ये आपका आ जाएगा 6.66. बेटा आपको 6.66 टाइम्स लिखना बहुत जरूरी है, अगर आप टाइम्स नहीं लिखोगे तो आपका एग्जामिनर सवाल काट देगा. अब बेटा मैं अगला सवाल कराता हूँ आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के ऊपर. ये देखिए आप, दूसरा सवाल करा रहा हूं आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 6 लाख और आपको दिया हुआ है जीपी रेशियो आपको जीपी रेशियो दी हुई है आपको 33.5% और आपको ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री 31,000. आपने निकालना है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. अब आप देखिए बेटा, आप सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह ही कमी है, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री. अब आपको देखिए बेटा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन नहीं निकाला हुआ, आपको रेवेन्यू ऑपरेशन दिया हुआ है. अब आप देखेंगे कौन सी डेफिनेशन आप यूज करेंगे. आप ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कॉक्स इज इक्वल टू रेवेन्यू ऑपरेशन माइनस जीपी. अब आपको देखो रेवेन्यू ऑपरेशन दे रखा है 6 लाख. अब जीपी बेटा ये देखो, ये देखा 1/3, इसका मतलब बता 1/3 कैसे निकाला बेटा, ये कितना हो जाएगा, आपने 6-7 में पढ़ा होगा 99 प्लस 1 डिवाइड बाई 3%. तो ये क्या हो गया 100/3%, 100/3 और परसेंटेज का 100 लगा तो ये 1/3 आ गया कि नहीं आ गया. तो आप जीपी क्या लोगे बेटा, 1/3 ऑफ किसका, अगर बाई डिफॉल्ट कुछ लिखा हुआ तो जीपी बाई डिफॉल्ट सेल्स पे होता है, सेल्स आपकी क्या होती है रेवेन्यू ऑपरेशन. तो ये आपका 6 लाख रुपए आ गया बेटा. ये 6 लाख रुपए माइनस 2 लाख रुपए, आपको क्या पता लग गया, सर मुझे पता लग गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन. अब आप बेटा इसको यहाँ पुट करिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन को, 4 लाख डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, 29 प्लस 31 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 60 डिवाइड बाई 2, ये आपका आ गया 30,000 रुपीज़. तो आप ये 30,000 आपने यहाँ पुट कर लेना है तो आपका आपका आ गया बेटा ये 13.33 times. तो बेटा आपने याद रखना है, जो जीपी रेशो अगर बाय डिफॉल्ट नहीं लिखा हुआ है तो आपने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर लेना है. अब बेटा अगर मैं यहाँ पर इसी सवाल को थोड़ा सा मैं स्लाइडली चेंज कर दूँ
तो मेरा आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इधर देखिए आप, अगर मैं यहां कर देता हूं, यही सेम सवाल है, और मैं ये कहता हूं कि जीपी इज 20% ऑन कॉस्ट। क्या लिख रहा हूं मैं, जीपी इज 20% ऑन कॉस्ट। तो बेटा कॉस्ट का मतलब यहां ये होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आप देखिए, मैं पहले कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन निकालूंगा, आरएफओ माइनस जीपी। आरएफओ आपको दे रखा है बेटा 6 लाख रुपए। अब आपको जीपी किसका दिया हुआ है, कॉस्ट का, और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन मुझे नहीं पता, तो बेटा मैं इसे एक्स मान लूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का 20%। तो x इज इक्वल टू 6 लैक्स माइनस x बाई फाइव, एक्स प्लस एक्स बाई फाइव इज इक्वल टू 6 लैख, 6x डिवाइड बाई फाइव इज इक्वल टू 6 लाख। तो x क्या आ गया, डिवाइड बाई फाइव आपका 5 लाख रुपए बेटा क्या निकल के आ गया, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आ गया। अब आप देखिए, अगर मुझे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालनी है तो उसका फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओब्लिक एवरेज इन्वेंटरी। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम एक्स आपने किसको माना था, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन, तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन आ गया आपका 5 लाख, और आपकी एवरेज इन्वेंटरी का फार्मूला वही रहेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई टू, डेट इज 29,000 प्लस 39,000 डिवाइड बाई टू, डेट इज 60,000 डिवाइड बाई टू 30,000। ये 30,000 मैंने यहाँ लिखा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये आ गया बेटा मेरा 30,000। बेटा कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑपरेशन को आपने यहाँ ध्यान रखना है, अगर आपको जीपी रेशियो बाय डिफॉल्ट दे रखी है तो आरएफओ लेना है, अगर कॉस्ट लिया है तो कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन। बेटा अगली वीडियो में मैं आपको इन्वेंट्री टर्नओवर मैंने आपको करा दिया, अगली वीडियो में मैं आपको डेटर्स टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कराऊंगा। थैंक यू बेटा।